हिमाचल प्रदेश में बड़ा वित्तीय संकट गहराया हुआ है, जिसके चलते सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के बैंक खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है। वहीं मुख्यमंत्री और मंत्री 2 महीने तक अपना वेतन नहीं लेंगे। बताया जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों को 10 सितंबर तक वेतन दिया जाएगा और केंद्र सरकार से राजस्व घाटा अनुदान के 490 करोड़ रुपए मिलने के बाद ही वेतन और पेंशन का भुगतान होगा। ऐसे में क्या कहना है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का, आइए जानते हैं। बड़ी वजह कांग्रेस की गारंटी है, फिर मैं कह रहा हूँ कि आर्थिक संकट नहीं है भैया। अगर किसी फिस्कल डिसिप्लिन करना, आर्थिक संकट से हम उभर रहे हैं, आर्थिक संकट को हम पार कर चुके हैं। आप डिसिप्लिन लाकर हिमाचल प्रदेश को सेल्फ रिलायंट बनाने की तरफ, आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने की तरफ ये चेंजिंग जरूरी है और इसमें फैसले किए जाएंगे। जो आपने कहा है वो जयराम ठाकुर जी को आना चाहिए ना। अब हमने तो बोला कि पहला मुद्दा उनका है, हम चाहते हैं कि वित्तीय कुप्रबंधन पर ये सर विपक्ष चर्चा करे। हमने तो सरकार की तरफ से लाया, किसी भी नियम के तहत करे। हम जनता के को भी बताना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश की 75 लाख जनता को हम बताना चाहते हैं कि वित्तीय कुप्रबंधन क्यों हुआ और कैसे डबल इंजन की सरकार ने जनता के खजाने को लुटा दिया, बिजली माफ कर दी, पानी माफ कर दिया, 600 के करीब शिक्षा संस्थान और स्वास्थ्य संस्थान खोल दिए। इन सब चीज़ों को अगर वो चर्चा लाएंगे, नहीं लाएंगे तो हमारे द्वारा चर्चा लाई जाएगी और हम जनता को बताना चाहते हैं, हम जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि जब कोई नीतिगत फैसले नहीं होते तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था का उसका और क्या प्रभाव पड़ता है। जो इनकम टैक्स देता हो, जो 1 करोड़ रुपया इनकम टैक्स देता हो, उसको मुफ्त की बिजली नहीं चाहिए, मुफ्त का पानी नहीं चाहिए। इन्होंने बिना सोचे समझे बिजली पानी मुफ्त का उन लोगों को दे दिया जो लोग देने अपने पैसे से पानी भी खरीदना चाहते थे, बिजली भी खरीदना चाहते थे। किसको मुफ्त में मिलनी चाहिए? जो गरीब है उसको मुफ्त में मिले, कोई दुख नहीं है, चाहे पानी है चाहे बिजली है। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र जयराम जी ने जो 5 साल इस प्रदेश के खजाने को लुटाया है, उस दृष्टिकोण से उन्हें चर्चा लानी चाहिए। हमारी सरकार किसी भी नियम के तहत उन चर्चा को तैयार करने के लिए तैयार। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।